पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। टीएमसी से आज दो दिग्गज नेताओं का नाता टूटा है। पश्चिम बंगाल सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर राजीव बनर्जी ने आज इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ही पार्टी की विधायक वैशाली डालमिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। टीएमसी ने यह फैसला अनुशासनात्मक समिति की बैठक के बाद लिया है। आपको बता दें कि वैशाली डालमिया बीसीसीआई की पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। बेली से विधायक डालमिया टीएमसी नेतृत्व के एक वर्ग के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख चुकी हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। टीएमसी ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक हुई, जिसमें डालमिया को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया। इससे कुछ ही घंटे पहले टीएमसी के ही वरिष्ठ नेता राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। डालमिया ने बनर्जी के इस्तीफे के लिए भी पार्टी नेतृत्व की आलोचना की। वैशाली डालमिया पश्चिम बंगाल की बैली विधानसभा सीट से विधायक हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते वे काफी दिनों से नाराज चल रही थी। वैशाली डालमिया बीसीसीआई अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। जगमोहन डालमिया का निधन हो चुका है। वैशाली ने पिता के निधन के बाद 2016 में राजनीति से जुड़कर टीएमसी ज्वाइन की थी। वैशाली ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधायक बनी थी। तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त बड़े स्तर पर नेताओं की बगावत देखने को मिल रही है। इससे पहले ममता बनर्जी के करीबी कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। बीते एक महीने में 3 मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दिसंबर में ममता के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ा था। 5 जनवरी को लक्ष्मी रतन शुक्ला ने खेल और युवा मामलों के मंत्री और 22 जनवरी को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने रिजाइन कर दिया। यानी अब तक 3 मंत्री कैबिनेट से जा चुके हैं। 20 जनवरी को एमएलए अरिंदम भट्टाचार्य भाजपा में शामिल हो गए। अरिंदम नादिया के शांतिपुर से विधायक हैं। 19 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। लक्ष्मी रतन शुक्ला और राजीव ने फिलहाल टीएमसी नहीं छोड़ी है। शुक्ला के इस्तीफे के बाद ममता ने कहा कि इस्तीफा कोई भी दे सकता है, इसे निगेटिव नहीं लेना चाहिए। 19 दिसंबर को शुभेंदु के साथ ही सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 विधायकों ने भी भाजपा ज्वाइन की थी। इनमें 5 विधायक तृणमूल के थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।